स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से चैनल IAS विजन में। और आज हम लोग अपनी NCERT सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसमें चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो आइए ज़रा इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज़रा ध्यान दे लें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि 96.5% जो टोटल वॉल्यूम है वर्ल्ड का वाटर का, वो ओशंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उससे पहले अगर देखा जाए तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग ग्लोबल स्केल पे बात करें तो अराउंड 70% टोटल हमारी जो अर्थ सरफेस है वो किससे ढकी हुई है, वो वाटर से कवर्ड है, मीन्स उसमें वाटर है। और अगर देखा जाए तो इसका 96.5% हिस्सा जो है वो वाटर का ओशंस में है, 2.5% हिस्सा ही फ्रेश वाटर है, जिसमें से इस 2.5% का भी 70% फ्रेश वाटर जो है वो एंटार्क्टिका के अंदर है, जबकि 30% से भी कम वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर्ड है वाटर्स वर्ल्ड्स के एक्विफर्स में, और जो रिमेनिंग 1% है वो रिवर्स एंड लेक्स इनके फॉर्म में है। इंडिया चार परसेंट ही रिसीव कर पाता है ग्लोबल रेनफॉल का, और 133rd है इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। और इंडिया का जो रीन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है वो 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है। 2025 तक का ये एस्टिमेशन है कि जो बड़े पार्ट्स हैं इंडिया के वो उन रीजन्स में, उन कंट्रीज़ में ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी है। और डरावने वाले तथ्य ये हैं कि 30-40% जो भारत का हिस्सा है, आबादी है, वो वाटर स्कैर्स रीजन में रहने लग जाएगी बाय द ईयर 2025, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 2 ही साल और देख के चलें। वाटर स्कैरसिटी, देखिए इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में इसको करेंगे, एक तो क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाटर एनालिसिस चलेगा, वाटर पोल्यूशन, वाटर की क्वांटिटी, इन सब पे बात चलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटेटिव की बात कर लें, है ना। तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्वांटिटी के टर्म्स में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए वाटर की स्कैर्सिटी क्यों है और उसकी नीड क्या है। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वाटर की शॉर्टेजेस उन रीजन्स में हैं जो कि ड्रॉट प्रोन है, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, स्पेशली राजस्थान के अंदर। औरतों को अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे मटके अपने सर पे रख के वो चलती हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल उनको करना पड़ता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करना पड़ता है वाटर के लिए। तो सच में वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो सीजनल है और जगह से जगह वेरी कर रही है। जैसे राजस्थान वर्सेस अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल पंजाब की, तो पंजाब में रनिंग रिवर्स बहुत सारी हैं, 5 रिवर्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी नहीं है। बट राजस्थान बीइंग अ डेजर्ट एरिया, वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉकनमार्क नाम के एक स्वीडिश एक्सपर्ट हैं जिनका कहना है कि वाटर स्ट्रेस तब होगा जब वाटर अवेलेबिलिटी 1000 से 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर के बीच में रह जाएगी, तो वाटर स्ट्रेस होने लगे, यानी कि इंसान को लगने लगे कि हाँ यार वाटर स्कैर्सिटी सही में है। तो वाटर स्कैर्सिटी कहाँ होने की संभावना ज़्यादा है, इस पर भी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। मेनली सिटीज़ की अगर बात की जाए, क्योंकि सिटीज़ में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो डिमांड्स हैं पानी की वो भी बढ़ती चली जा रही हैं, और लोगों के बीच में अनइक्वल एक्सेस है उसका। कई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अमीरों के पास स्विमिंग पूल है तो किसी के पास ना मतलब कुल्ला करने का भी पानी नहीं है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज़्यादा पानी, और सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं, बाकी खाना वाना बनाने के लिए भी। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन को अगर बनाना है, एग्रीकल्चरल डिमांड्स को अगर मीट करना है, तो वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोइटेशन चालू होगा, जिसकी वजह से ड्राई सीजन ऑफ एग्रीकल्चर भी चालू हो जाएगा। कई टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे फार्मर्स की खुद की वेल्स और ट्यूब वेल्स होती हैं इरिगेशन के लिए, लेकिन कि अगर देखा जाए तो इस वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होने लग जाएगा। ट्यूब्स एंड वेल्स और वेल्स होना अच्छी बात है, लेकिन उससे ग्राउंड वाटर लेवल पे भी बहुत बड़ा खतरा पड़ रहा है। अब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सीवियर लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और अर्बनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट
की बात हुई, जिसका एक कारण रहा विदेशी इन्वेस्टमेंट आना, एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज का, कॉरपोरेशंस का आना। लेकिन ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की वजह से इंडस्ट्रीज तो बढ़ी, लेकिन जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, बहुत ज़्यादा उन पे इफेक्ट आने लगा। तो इनमें वाटर एक्सटेंसिव रूप में यूज़ में लिया जाता है, उसके अलावा बिजली जो है उसको भी बनाने में पानी का काम आता है, क्योंकि इंडिया में लगभग 22% जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये हुआ कि कोई रनिंग रिवर है, वहाँ पे आपने डैम्स वगैरह बना दिए और फिर उन डैम्स के थ्रू वाटर को निकाल के गेट से आप ये यहाँ पे आपने इस तरीके से रिवर को रोक लिया रास्ता, डैम्स बना के आप यहाँ से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो अर्बन सेंटर्स में लार्ज डेंस पॉपुलेशंस और वाटर और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उन पर इंडिया के इफ़ेक्ट पड़ा है। तो कई बार शहरों में भी क्या होता है ना कि ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस होते हैं, तो उस वजह से फिर जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ग्राउंड वाटर है, उसका डिप्लेशन होने लग जाता है। और जैसे करेंट एग्जांपल है इसका चेन्नई, चेन्नई भारत का ऐसा पहला शहर बन चुका है जहां पे ग्राउंड वाटर लेवल 1000 फीट से ज़्यादा नीचे चला गया है। सो चेन्नई इज़ द परफेक्ट एग्जांपल कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से किस तरीके से नुकसान पहुँचता है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे। तो अभी तक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की, अब हम लोग ज़रा दूसरी सिचुएशन की भी बात कर लें जहाँ पे वाटर है तो सही लेकिन फिर भी वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी रहती है। मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है लेकिन फिर भी वाटर की स्कैर्सिटी है। इसका कारण है बेड क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और ये बेड क्वालिटी ऑफ वाटर का कारण क्या है, उसका कारण है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। कहने का मतलब इंडस्ट्री सेटअप हुई, इंडस्ट्रीज़ में एफ्लू जो, और ये बहुत ही आम तौर पे देखा गया है कि जैसे यमुना है, आज यमुना गंदा नाला बन के बह रही है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना ट्रीटमेंट किए डायरेक्ट यमुना में भेज दिया जाता है। उसके पीछे का कारण है गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, साथ के साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट का एक बहुत बड़ा पैस कैपिटलिस्ट माइंडसेट होना, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में पैसा लगेगा और उतना वो स्पेंड नहीं करना चाहते, तो इसकी वजह से जो फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। नमामि गंगे एक्शन प्लान ये बहुत बड़ा इसमें एक स्टेप भी था जिससे गंगा को क्लीन कर दिया गया। यमुना भी आज वही डिमांड कर रही है, पता नहीं जो दिल्ली के खिदमत गार्ड्स हैं वो कब जागेंगे। बड़े बड़े वादे भी किए गए थे 5 साल में यमुना को क्लीन करने के, लेकिन अभी तक यमुना वैसी की वैसी है, जस की तस ही है। तो इंडिया की रिवर्स जो हैं उनकी टॉक्सिक स्ट्रीम्स, इसी के बारे में बात की हमने, और इसका एक कारण एग्रीकल्चर भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के समय पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का इस्तेमाल होता है, और इन सब के इस्तेमाल के कारण होता यह है कि इवेंचुअली जो वेस्ट है वो पानी बहती पानी के साथ बह के सीधे सीधे रिवर्स में जाता है और फिर पूरा का पूरा जो रिवर है वो बर्बाद हो जाती है उसकी क्वालिटी, राइट। तो अभी का जो हाल है वो ये है कि हम कंजर्व के साथ साथ मैनेज भी कर रहे हैं अपने वाटर रिसोर्सेज को, और साथ के साथ में जो हमारे बैड हेल्थ हैजर्ड्स हैं उनसे खुद को बचाएं, ठीक है, ताकि फूड सिक्योरिटी हो, हमारी लाइवलीहुड्स एक अच्छी क्वालिटी से बीत सके और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो प्रॉपरली बना रहे। अब इसी में आगे चर्चा करेंगे हम लोग मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स और इरिगेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की। अब बात आती है कि किस तरीके से हम लोग इसको वाटर को कंजर्व करें और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तो पुराने समय से ही भारत में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि डैम, स्टोन रबल, रिजर्वॉयर्स, लेक्स, इन सब पे बनाने की परंपरा है, कैनाल्स भी बनाई जाती हैं। तो हमने ये ट्रेडिशन कंटिन्यू मॉडर्न इंडिया में भी किया है। अगर हम लोग एंशियंट इंडिया की बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में श्रृंगवेरपुरा जो कि इलाहाबाद के पास, नियर टू इलाहाबाद यानी कि मॉडर्न डे प्रयागराज के पास में, उसमें सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जिसमें मेन रिवर गंगा से वाटर चैनल करके हर जगह पहुंचाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम को बहुत ही तेजी से बनाया गया।
फिर उसके बाद में सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन नेटवर्क्स पाए गए कलिंग में, जो कि मॉडर्न डे ओडिशा है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। 11th सेंचुरी के अंदर भोपाल लेक बनाया जाना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स थी अपने समय की। 14th सेंचुरी में हौज खास में टैंक बनाया गया था इल्तुतमिश द्वारा, ताकि सीरी फोर्ट एरिया में पानी का सप्लाई करवाया जा सके। तो ये डैम्स हैं क्या और कैसे ये हमको हेल्प करते हैं? तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो डैम्स का काम सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी है, और जिससे कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूसेस में हम लोग उसको पहुंचा सके। फ्लड भी कंट्रोल की जाती है, टूरिज्म के पर्पज़ से भी काम में आता है, और फिश ब्रीडिंग भी वहाँ पर करवाई जाती है। तो इसीलिए इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कह दिया जाता है। जैसे कि सतलुज ब्यास जो रिवर बेसिन है, उसमें भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है वो यूज़ किया जा रहा है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन और इरिगेशन के लिए, और वहां पे टूरिज्म भी फल फूल रहा है। वैसे ही हीराकुद प्रोजेक्ट जो है महानदी बेसिन में, वो भी कंजर्वेशन ऑफ वाटर फ्लड कंट्रोल को टेक ओवर करता है। तो डैम बेसिकली है क्या कि नेचुरल फ्लो जो रिवर का है उसके अक्रॉस एक बैरियर बना देना, एक ऑब्स्ट्रक्शन बना देना, जिसकी वजह से फ्लो को आप या तो जैसे ऐसे बह रहा है बैरियर बना के आपने इधर रीडायरेक्ट कर दिया, या सीधे सीधे रोक दिया, ठीक है। तो ये रिजर्वायर है, मतलब इसके पीछे, अब अगर आपने रोक दिया तो इसके पीछे पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो यही रिजर्वायर जो है वो डैम कहला रहा है। और इनके पास में एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग स्पिलवे भी कहते हैं या वियर भी कहते हैं, जिसके थ्रू जब हम चाहें वाटर फ्लो को रोक रोक के या कंटिन्यूसली करवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लड है वो कंट्रोल होती है। ज़्यादातर जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च किए गए, उनका रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन जो प्रॉब्लम आई सबसे बड़ी वो ये थी कि ये जो डैम्स थे, उन डैम्स के चलते, इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के चलते बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस किया जा रहा है इनके लिए। उसके कारण बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि जो डैम्स जो आप बना रहे हो रिवर्स के ऊपर, वो उनके नेचुरल फ्लो को रोक रहा है, जिसकी वजह से सेडिमेंट का फ्लो पुअर है। और जो डैम बनाया आपने, फॉर एग्जांपल ऐसा स्ट्रक्चर बनाया आपने, तो इसके बेस पे सेडिमेंट्स जो रिवर अपने साथ में लेके आती है पहाड़ों से जब वो नीचे उतरती है, तो वो सेडिमेंट्स यहीं पर बॉटम में ही रिजर्वायर के इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टीम बेड्स जो हैं वो रॉकी हो रही हैं, और जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए एक बहुत ही पुअर कंडीशन बन रही है सर्वाइव करने के लिए। उसके अलावा डैम्स जो हैं रिवर्स को तोड़ भी देते हैं एक तरीके से, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक फौना है वो माइग्रेट नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक फौना को इस प्लेस पे जाना था माइग्रेट करके, एक्वेटिक फौना मतलब एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स, अब वो नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और फ्लड प्लेन्स में ये क्रिएट किए जाते हैं, तो जिससे कि एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वो भी रुक जाती है, जिससे स्लोली एंड स्टेडिली सॉइल की क्वालिटी है वो भी ख़राब हो रही है। तो आजकल बहुत ज़्यादा इनको प्रोटेस्ट भी झेलना पड़ रहा है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी दाम आंदोलन, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि इनके कंस्ट्रक्शन के प्रति दिखाया जा रहा है बाय द आम जनता। तो इसका कारण क्या है? जो कम्युनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, लोकल कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट होना, लोकल लोगों को अपना जो ज़मीन है वो छोड़ना पड़ता है, लाइवलीहुड छोड़ना पड़ता है, और उसकी वजह से अपने ही रिसोर्सेज को छोड़ के उन बेचारों को वहाँ से अपने ही देश में कहीं दूसरी जगह विस्थापन करना पड़ रहा है। तो इसलिए लोकल लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो फिर बेनिफिट्स फिर किसको है? लैंड ओनर्स हुए, लार्ज फार्मर्स हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, कुछ अर्बन सेंटर्स जहाँ पर बिजली पहुँचाई जानी है, ठीक है। लेकिन जो लैंडलेस विलेजर्स हैं उनके लिए क्या? उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अभिशाप ही है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट एक एनजीओ द्वारा रन है, जिसमें कि जो ट्राइबल लोग हैं, फार्मर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं गुजरात के अंदर। एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है ये, जो कि ट्रीज सबमर्ज हो जाएंगे डैम के बनने से, और उसके अलावा जो
पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं जिनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको फुल रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट द्वारा भी दी जानी चाहिए, ये भी मांग उठाई जा रही है। तो दैट इज़ वाई ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक तरफ आप बना रहे हैं, दूसरी तरफ उसको एक अपोजिशन मिल रहा है, तो हर एक एस्पेक्ट को देख लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इरिगेशन के अलावा भी, इरिगेशन के साथ साथ चेंज होने के साथ साथ जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और लोग जो हैं इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल का सेलिनेशन हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्रॉप्स आप बहुत एक ज़्यादा मात्रा में लगाते हो, उसके लिए फिर आपको केमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा, केमिकल्स से फिर सेलिनेशन ऑफ द सॉइल होगा ही होगा, जिसकी वजह से सोशल लैंडस्केप भी चेंज हुआ है, और जो गैप है रिच और पुअर में और लैंडलेस लेबरर्स में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया है। डैम्स से कन्फ्लिक्ट हुए, और इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से स्टेट्स भी आप देखते हैं कई जगह आपस में लड़ रहे हैं, जैसे कावेरी बेसिन के लिए लड़ाई जो चलती ही रहती है, दैट इज़ वाई। और गुजरात में साबरमती बेसिन फार्मर्स जो हैं वो एजिटेटेड हैं, एंड एक रायट भी कर दिया था उन्होंने, एक दंगा भी कर दिया था, ताकि जो अर्बन एरियाज़ में वाटर सप्लाई है उसको रोक के ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में ज़्यादा वाटर सप्लाई किया जाए। उसके अलावा इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स की तो मैंने बात की। तो एक तरीके से ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं झगड़े का भी कारण बन रहे हैं, जैसे कि सतलुज ब्यास जो रीजन है वहाँ पे हम देखें भाकड़ा नांगल प्रोजेक्ट, टेहरी डैम, भागीरथी रिवर, है ना, भागीरथी गंगा का फॉर्म ले लेती है जब वो गैंगेटिक प्लेन्स में उतरती है, फिर आपके लिए कोटा बराज चंबल पे, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर भी वहीं पे, सरदार सरोवर नर्मदा पे, है ना, और कोयना आपके कृष्णा रिवर पे। कोयना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आगे बॉक्स में भी आएगा इसके बारे में। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा पे, तुंगभद्र रिवर पे, पेरियार भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत खस्ता हालत में है। तो ये कुछ डैम्स हैं जिनको हमें, हीराकुद, ये कुछ डैम्स हैं जिनको हमें नाम ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि ये जो अपने खुद के पर्पज़ है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, डैम्स जिनके से कि कंट्रोल करना था फ्लड्स को, उनकी वजह से फ्लड्स होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेडिमेंटेशन हो रहा है रिजर्वायर के बेस में, तो आपने ये फॉर एग्जांपल एक ऑब्स्ट्रक्शन बनाया, अब यहाँ पे तो फुलफ़िल हो गया, तो पानी पहले इतना स्टोर होना था, अब वो सिर्फ इतना स्टोर हो पा रहा है, तो ऊपर से स्पिल तो करेगा ना। सो जिस वजह से ये अनसक्सेसफुल हैं हैवी रेनफॉल्स के दौरान फ्लड को कंट्रोल करने के अंदर, और इसी तरीके से बहुत ही तेज़ी से रिलीज़ करने के कारण जो सिचुएशन है महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में फ्लड सिचुएशंस आ गई थी, और उन फ्लड्स की वजह से लाइफ, प्रॉपर्टी, जान माल, सॉइल इरोजन सबको नुकसान पहुँचता है, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सेडिमेंटेशन हो रहा है यहाँ से, एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है सिल्ट, जो कि नदियों के साथ बह के अपने आप उन प्लेन्स में आता है, वो भी रुक गया है, जिसकी वजह से लैंड का जो डिग्रेडेशन है वो चालू हो गया है। उसके अलावा अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अर्थक्वेक्स इंड्यूस हो रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज हो रही हैं, पेस्ट और पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, दैट इज़ वाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को इतना ज़्यादा आज आप देखेंगे कि इनको ऑब्स्ट्रक्शन फेस करने को मिल रहा है। फिर हम लोग ज़रा कोयना के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कृष्णा गोदावरी जो डिस्प्यूट है वो ऑब्जेक्शंस रेज, देखिए गवर्नमेंट्स ही एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में लड़ाई है। ये कोयना का की वजह से जो डाइवर्जन है वो महाराष्ट्र, आई मीन रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज, महाराष्ट्र में के अंदर हमने देखा, महाराष्ट्र के अंदर कोयना प्रोजेक्ट ये चला, ये हुआ, इसकी वजह से डाइवर्जन महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, आंध्र में नहीं पहुँच पा रहा, तो आंध्र प्रदेश के लोग इसके अपोज में हैं। तो दैट इज़ वाई ये डिस्प्यूट्स अब इंटर स्टेट भी होते रहते हैं। तो अब इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या निकल के आता है कि आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लो भाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाओ घरों में। और ये ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, ये बहुत पुरानी बात भी है, बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ पे होता आया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि आप छत पे एक रिजर्वायर बनाइए, उस रिजर्वायर से एक पाइप कनेक्ट कीजिए, वो पाइप क्या करेगा, वो आपको नीचे
जितने भी फिट पे पानी है एक वेल एक पाइप डलवा के आप वहाँ पे उसको रिचार्ज कर सकते हैं। और ऐसा सड़क के किनारे भी हो सकता है, जिससे कि जो पानी बारिश का बह के नालों में चला जाता है वो हम लोग रिचार्ज कर सकें। तो ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर, इन सबको क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है ना। और ऐसा माउंटेनियस रीजन्स में गुल्स या कुल बना के किया जाता था वेस्टर्न हिमालयस के अंदर एग्रीकल्चर के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत कॉमन है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो बारिश बहुत कम होती है। फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, लोगों ने इनंडेशन बनाए, मतलब कि यहाँ से चैनल्स बना लिए अपने अपने खेतों में, ठीक है। और जो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स हैं उसमें एग्रीकल्चर के अंदर रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बना लिए, जैसे कि खादिन्स जैसलमेर में और जोहद बाकी अदर राजस्थान में बोले जाते हैं। और बावड़ी भी आपने सुना होगा, तो क्या करते थे, बावड़ी के थ्रू ये लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते, वहाँ पे वाटर स्टोर करते और फिर साल भर उसको यूज़ करने के काम में लेते, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो मैंने आपको ये बताया उसके लिए स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर हम लोग ट्रेडिशंस की बात करें, ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें, तो जो एरिड रीजन्स हैं राजस्थान के, जैसे बीकानेर, फलोदी और बारमेर, जहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, वहाँ पे टंके या टैंक्स, अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं और ये बहुत बड़े साइज़ में होते हैं। जैसे किसी एक सैम्पल की बात करें तो 6.1 meters डेप्थ, मतलब 18 feet लगभग डेप्थ, 4.25 meters लंबाई, 4.25 meters का मतलब हो गया लगभग लगभग ये आपका 12 to 14 feet लंबा, और 2.44 meters वाइड, 2.5 meters अगर हम लोग मान के चलें तो इसकी विड्थ ही अकेले हम लोग देख के चलते हैं 7.5 feet की विड्थ है। तो ऐसे बड़े बड़े टंके बनाए जाते थे जिससे कि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके, ठीक है। और इसमें होता क्या था कि ये ऐसे स्पिलेज से पाइप्स के थ्रू ऐसे कनेक्टेड रहते थे, ठीक है। तो अब पहली जो रेन होती थी, फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन, इसको यूज़ नहीं किया जाए क्योंकि उससे फिर ये जो पाइप है और ये छत है वो क्लीन हो जाए, बाकी फिर उसके बाद में उसको स्टोर किया जाता था, ठीक है। और रेन वाटर, या इसको पलार पानी भी कहा जाता है कॉमनली, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है जो कि हमें अपने एंशंट इंडिया से ही सीखने को मिलती है। और ये जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कॉमन प्रैक्टिस है शिलोंग मेघालय में, जबकि चेरापूंजी जो है मौसिनराम में वो 55 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है ना शिलोंग से, और यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, लेकिन फिर भी शिलोंग में वाटर शॉर्टेज है। तो अब आप देखिए कितना ज़्यादा वेरिएशन है मात्र 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ही, है ना। सो दैट इज़ वाई शिलोंग के अंदर, तो वही होती है ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आपको ज़रूरत है तो आप ऐसा कर रहे हो। तो यही ज़रूरत हर जगह फील कराने की भी रिक्वायरमेंट है। आज वेस्टर्न राजस्थान इस प्रैक्टिस को बहुत बुरी तरीके से पीछे छोड़ता जा रहा है। कारण क्या है, जो इंदिरा गांधी राजस्थान कैनाल बनी, जो साल भर जो आपकी ये नहर पानी देती है, जिसकी वजह से लोगों ने अब इसमें कंजूसी करनी चालू कर दी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फिर से अराइज हो रही हैं वाटर स्कैर्सिटी की। लेकिन अर्बन सिटीज़ के अंदर लोगों में धीरे धीरे जागरूकता भी आ रही है और लोग धीरे गवर्नमेंट्स भी इसके प्रति काम कर रहे हैं। जैसे कि गेंडाथूर एक रिमोट विलेज है मैसूरू कर्नाटक में, लोगों ने अपने हाउसहोल्ड रूफ टॉप पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चालू कर दिया, 200 से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपने अपने छतों पे अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया तो फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। एक छोटा सा बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो एंशिएंट इंडिया की अगेन ब्रिलियंस है, उस पर ज़रा हम लोग नज़र डाल लेते हैं। मेघालय के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मेघालय, 200 साल पुराना सिस्टम है ये, जहाँ पे बैम्बू पाइप्स इसीलिए क्योंकि वो हॉलो होते हैं, तो इसमें 18 से 20 लीटर का पानी बैम्बू पाइप सिस्टम में एंटर करता है। जहाँ पे वाटर सोर्स है वहाँ पे आपने इसको लगा दिया, देखिए यहाँ से पानी गिरना चालू हुआ। और जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा दिखा दूँ, यहाँ पे वाइट करके ही दिख रहा है ना आपको, यहाँ से पानी गिरना चालू हुआ, फिर इस बैम्बू में कलेक्ट हुआ, फिर दूसरा इस बैम्बू को दूसरे से जोड़ा और ऐसे एक हाइट पे, एक ढलान वाली हाइट पे पेड़ों से होते हुए इसे अपने खेतों में पहुँचाया जाता था।
जिससे कि जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मीटर पहुंचने के बाद 20 से 80 ड्रॉप पे ड्रिप सिस्टम ये एक चलता रहता था और खेती भी आराम से होती चली जाती थी। तमिलनाडु के बारे में हमने कहा, पहला स्टेट है इंडिया में जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कंपलसरी कर दिया हर घरों में और लीगल प्रोविजंस भी डिफॉल्टर्स के लिए इंश्योर किए हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो एंड मज़ा आया हो। तो इसी तरीके से एनसीईआरटी का रिवीजन, एनसीईआरटी का स्टडी चलता रहेगा ओवर द टाइम एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जितना हो सके इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ये सबके लिए उपयोगी है, जो लोग स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट इवन जो बोर्ड्स में हैं सबके लिए ये यूज़फुल है। थैंक यू, जय हिंद।